अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी। आपके सितारे में मेरी और मेरे साथियों की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। हमारे आज के दोनों गेस्ट जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं, एक्टिंग की दुनिया में उनका एक स्पेशल मकाम है, वो कैरेक्टर एक्टर हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। बड़ी स्क्रीन पे आपने उनको बहुत ज़्यादा देखा है और छोटी स्क्रीन पे भी वो बहुत ज़्यादा आते हैं। चैलेंजिंग रोल्स करते हैं, वर्सेटाइल हैं। आप सबकी तालियों में नैयर एजाज साहब। हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से है, और जैसे बढ़ता हुआ फैशन है और बड़ा चैलेंजिंग सा फैशन सीन चल रहा है, उसमें बहुत तेज़ी से अपना नाम बना रही हैं। शी इज़ सुपर स्टाइलिश एंड ग्लैमरस, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ प्रिटी, शी इज़ स्मार्ट एंड शी इज़ वेरी क्रिएटिव। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली इरम खान। शो में आया, आपको देखा तो आंखें ताज़ा हो गईं। आपसे मिलकर बहुत खुशी। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ देख के नहीं, आपकी आंखें ताज़ा हैं नहीं भाई। आपको देख के तो आंखें मुरझा सी गई हैं। क्यों, मैं तो लोगों को अखा मार रहे हैं। दादा मुंह बड़ा बड़ा है। इस मुंह के बड़े फायदे ने, आ बंदा चपेड़ा चपेड़ा मार सकता है। भाई तुम देखो स्किन कलर मेरा। स्किन नहीं है, येलो है। तुम्हारा येलो है यरकान ज्यादा। हेलो इरम। Hello. How are you? Good, good. How are you? How do you do? Dada free on the question na kehta. Oh, villain again, na tenu chokke lae. Mainu chokke le ja ke ki karnge, vat to vat sarana bana ke saun jaange. Nair sahab. Ji sir. आप मुझे ज़रा अपने बचपन की तरफ लेके जाएं, ज़रा रिवाइंड करके, कि बचपन में वैसे तो आप बहुत इमोशनल और बड़े सेंसिटिव से और रोमांटिक बाय नेचर हैं। जारी बात है, ये जो रोमांस है ये इंसान के अंदर बचपन से ही जाता है। लेकिन आप में बहुत ज़्यादा रोमांस। नहीं नहीं, रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ है। तो डर के बंदे ना बचपन से कुड़ियाँ दे फीडर भी नहीं देते, तो बचपन तो रोमांटिक है। गल अच्छी की थी। रोमांस से रिलेटेड बताएं ना कि आपको बचपन की जो मोहब्बत है। मेरे साथ अजीब सा किस्सा है। तीन औरतें मेरी लाइफ में आई हैं, एक नाम की। तबीयत तो पाएं थोड़े जिन्हें मुगलियां दौर दे। मेरी बीवी का नाम भी वही है और वो जो दो मेरी तो पता चल गया। हाँ वो कोई बात नहीं, उसको पता है। हुआ ये था कि जब मैं छोटा था, पांचवी से लेके टेंथ तक वो मेरे साथ पढ़ती थी। अच्छा, मैं वो चूंकि एक इस तरह भी कैफियत का आदमी था कि यार लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इसकी समझ नहीं आ रही थी। तो वाली साहब की तबीयत खराब हुई और वो जो एक इश्क, पता नहीं रात के 5-5 बजे तक हम जागते थे। हुए हुए। और वालिद की तबीयत खराबी का सुन के मैं उस बेचारी को छोड़ के चला गया। अच्छा, क्वेटा चला गया, वहाँ जाके पढ़ा, काम वाम किया। उसके बाद जब मैं वापस, आज से कुछ 16-17 साल पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, तो आज से 10 दिन पहले एक औरत जो बकायदा सफेद बालों में मेरे सामने आई, उसने मुझे खूब सुनाई। उसने कहा लानत है तुझ पे, इतने साल बाद तू मुझे मिला, मैं दादी बन गई हूँ। तो मैं कहा अगर तू चाहनी है तो हुन रोमांस कर लेने को, ऐसा हुआ। यानी कि तुझे दादियां भी नहीं छाड़ रहे। माशाल्लाह, हुन उन्हां दी जिन्नी एज हो गई होनी है, उन्हां दी मोहब्बत च हल्का हल्का दमा भी होना है। एक बात सुने दीका जी, अगर मैं किसी के साथ भी, चाहे वो मर्द है या फीमेल है, मैं 15 से 20 मिनट बैठ जाऊं तो फिर वो इजहार हो जाता है मेरी तरह। जरा देखे कॉन्फिडेंस का। जरा फटाफट सवाल करो तो टोरन वाली गल करो, ये ना ना होवे साडी एंकर ने बाद जो गल सुनाई हो। खाने पीने के मामले में आप कैसे हैं? बहुत नॉर्मल। पकाते नहीं? वो नहीं, मैं उस मामले में बहुत ही माठा हूँ। कभी मरेले के खुद पकाए हो? नहीं है, मैं नहीं पका सकता। माच है बनाते हैं, माच है। नहीं वो भी नहीं। लो जी, को समझ नहीं है। पब्लिक को कैसे बताएंगे हम यही जो आप बता रहे हैं? अरे हदीका जी, मैं जी बताता हूँ, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो चंद लोगों को नहीं आती। ये मरासस्तान में बोली जाती है। लेकिन ये भी क्या बोल रहे थे बताओ ना। मैं उन्होंने पूछा कि मरेले क्या कभी खाते ना तुसी? मरेले क्या का मतलब होता है? करेले। कभी मैं उन्होंने पूछा माच है बनाई हो? चाय। हाँ जी। रेखा जी, आपको नहीं आती है? मुझे आती है। माशाल्लाह, आपको भी बड़ी लैंग्वेजेस आती है। उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पटवारी। पटवारी तो अश्नी। पटवारी अश्नी? आपको अश्नी? अश्नी जी, अश्नी माड़े बट के फुटा हार्च रहे। उन्होंने तो जो मर्जी कही मनी जाते अश्नी।
अगर आपका कोई ऐसा कैरेक्टर हो कि आप ड्रामा में या फिल्म में शहजादा सलीम है और पटवारी है, जरा प्लीज डायलॉग बोलिए। बड़े बड़े दी इज्जत रखनी है बाहुदा, माड़ा ध्यान जीना है ना हर वक्त तुसें दे बीच फसिया रहे। ये जा तू कैसे को कम दिखा के जा माड़े वतने ना बूटा है। ए बूटा बहुत लंबा बूटा है, ए तुहाडे वतने दा सरू दा बूटा है। अपने नोनी हाँ जी आलिया जी ने हासस के ना निशाना बनाया चाह तेरे ते सुट्टी। नोनी वैसे अगर असी बोलिए ना ना तो असी डस्टबिन नहीं लग रहा। कुछ बन जाना तू विच मैच पाना शुरू कर दिनों ला देना अगले दो मिनट पूरी ट्राइया कर रहा इरम जीते तू विच विलन बनने की कोशिश ना जिदा रंग फेर होया ले जाएगा एदा मतलब मेरे चांस बन रहे ने। अब इरम से भी पूछ लेने दूं ना इरम। हाँ जी। फैशन इंडस्ट्री एक पूरा क्लटर्ड सा एक वर्ल्ड है, यानी जहाँ पे इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं, पंजाबी में कहते हैं इट पुट्टे डिज़ाइनर्स यहाँ पे हैं, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि थ्रू आउट द कंट्री। वहाँ पे अपना एक मकाम बनाना और एकदम से आए और छा गए, कैसे? पिछले इट्स बीन लाइक 9-10 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ ये, और मुझे लगता है कि हर साल मैं अपने आप को टारगेट देती हूँ। कंपटीशन हर जगह होता है, कंपटीशन में आना और कंपटीशन को सीरियस लेना इज़ अ गुड थिंग, बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंपटीशन जो होता है वो मेरा अपना, मैं खुद अपना कंपेटिटर हूँ। सही। और उस तरह आप जब अपने कंपटीशन में होते हैं खुद के साथ तो आपने हर दफ़ा आपने अपनी मार्किंग करनी है कि अगर एक दफ़ा मैंने 10 मार्क्स लिए हैं तो अगली दफ़ा आपने 10 से कम तो लेने ही नहीं है। एंड दिस इज़ योर पैशन plus your profession exactly. and business also exactly. na kyunki business minded bhi ho I've done mba marketing to main basically designing to nahi padhi maine business padha hai to wo dono phir ek aesthetic and aapka business education jo hai wo dono milke it's a best combination iram ji mere hero ka rang cheetah ho sakta hai enu chapeda maar aap kon hai aapka kya taaruf hai मैं एक बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ। क्या नाम है आपका? आपने उसामा साहब का नाम सुना है? जी जी मैं उनका मामा साहब हूँ। ये मेरे हीरोइन है, मैंने कास्ट किए, अब हम आए थे इजाज साहब को कास्ट करने। इनका नाम क्या है? मेरा नाम चटखारा खान है, मैंने 98 में फिल्मों का आगाज किया, बहुत सारी फिल्में। हेलो तेनू पूछा कि आप हीरो बनने आए? आई एम हीरो। ओहो आप इंसान बन जाए बड़ी बात। ये फिल्म का हीरो होता ही ना, आधा घंटा फिल्म चलती, 2.5 घंटे कुर्सियां चलती, बंद करो। एक्सक्यूज मी आप मेरे हीरो को लाइट ले रहे हैं, आप इनसे काम करवा के देखें। ऐसे टाकी मारी आज। शाहरुख खान तो इनके आगे कुछ भी नहीं। इनके आगे कोई भी कुछ नहीं, ये माशाल्लाह इतने मनहूस हैं। ये दी सकी बेगम मुंह ते छापर चढ़ा के कोल आउंदी। बड़ा क्यों? ओ इहदे नाल भी गई गुजरी। चेक की श्रोफ का बेटा, वो क्या नाम है उसका? टाइगर श्रॉफ। वो तो कोई डांस नहीं करता जो ये, उफ अल्लाह भाई डांस करके दिखाएंगे। हाँ थोड़ा जहा नमक महुआ। नहीं भाई गौर से देख रहे हैं। मैं देख रहे हैं कि यार बंदा वो जो कपड़े पाए जेड़े उसे सूट करे। सीधा मायामी से आ रहे हैं ना? आप मेरी फिल्म के विल ने आपको बताया और मेरे साथ आपकी टॉकी फिल्म मेरी है, मेरी तो यार विग चार्ज दी पा लेनी। आपने पाकिस्तानी फिल्में देखी है? उसमें इससे अच्छी नहीं होती। ये बड़ी महंगी बेग है नहीं भाई, ए बारो एक बकरे को लोग खोई है। देखे जरों दी बकरे दी बेग भाई होने जी बोल रहा है। अच्छा जी वजम साहब और आलिया, हमारे इतने प्यारे गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ इनके सितारों के बारे में जरा हमें बताएं थोड़ा सा। ये इजाज़ साहब के हॉरोस्कोप से मैं शुरू करूँगा जी। जब सेटन इन एक्वेरियस विद मून, ये इनका बाय बर्थ है होता है, तो आदमी जॉब करने के लिए पैदा नहीं होता, उनको हमेशा जॉब से एक नफरत सी रहती है, इसलिए ये बंदे एजुकेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, इनोवेशन के लिए, इनको अंदर से लगता है कि कुछ हर रोज़ नया सीखना चाहिए आगे के लिए। आगे के लिए ये इसी फील्ड में रहेंगे। इनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अभी किसी मंथ और हमारी रीडिंग के मुताबिक 22nd of July, ये जो भी चलेगा 1.5 महीना, ठीक है, उसके बाद इनके कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू होंगे और हो सकता है फिर ये इंटरनेशनल कोई और फिल्म किसी और कंट्री में
साइन करें या मौसम साहब वर्गा सारी गल मुका के कह रहा हूं यार मेरा बर्गर कौन ले गया जी आलिया जी मैं इनका जायचा देख रही थी और इनको बजाय एक्टर होने के सिंगर होना चाहिए था मुझे लगता है आगे एक्टिंग से ज़्यादा ही गाने की तरफ आ जाएंगे क्योंकि इनको सुकून उससे हासिल होगा और एक दफ़ा जब ये उस लाइन पे निकल जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वंडर्स होंगे तबीयत आपकी शदीद रोमांटिक है इरम के बारे में जरा मैं थोड़ा सा एक दो सवाल करके फिर आपकी तरफ आऊँगी होना चाहिए मुझे भी पता चलेगा क्या क्या अच्छा इरम इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हो फैशन की आई डोंट नो लेकिन ये कि आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क मुझे अपने काम से इश्क है यार भाई ना थोड़ी अख चमक लो हौली हौली तुम इंज होंगे जा रहे जो मैं तुम्हें डिगी होंगी है वैसे इरम जी अगर मेरी स्ट्रक्चर के मुताबिक कोई डिजाइन करे तो साढ़े तभी कोई अपने एक मिनट ठहर जाए मेरी तो पूरी पहन दे आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से लगेगा आपका जिस तरह की आपका पिंक मतलब आपका तो आप तो यू आर ब्लेस्ड के आपका इतना अच्छा कॉम्प्लेक्शन ये अल्लाह की रहमत में और पीछे बोली ना गाल बदल ऊपर से आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है आपकी आईब्रोज बड़ी अच्छी हैं इरम तू साढ़े दो च एक मरवा देना टोनी पे कौन सा कलर सूट करे टोनी काले रंग दा चद्दर उत्ते कलमा लिखया हो यार हौसला कर की हो गया तेनु तू ते माली माली देखिए इन पे जिस तरह का ब्लू इन्होंने पहना है ब्लू बहुत अच्छा लगेगा व्हाइट बहुत अच्छा लगेगा लाइट आइस मतलब लाइट स्काई मैं अपनी रेडी आगे ले जावा अच्छा और नोनी पे नोनी की जो सबसे अच्छी बात है नोनी ने लिपस्टिक का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा लगा तू लिपस्टिक तो मारना है ना ये मेरी लिपस्टिक नहीं है मैम ये मैं ना वो इसको एक दफा ना खुश रियोलॉजी निकले ओ इरम जी मेरे हीरो के बारे में कोई इनु दफना दे कराची वाली फूफी ने नहीं आना इनु दफनाओ पर यार इंसान बनो क्या हो गया दफनाओ एडा खूबसूरत है उन साड़ांगे देखिए उनको आपने ऑलरेडी बहुत अच्छी फंकी सी शर्ट बनाई हुई है आपकी आंखों में मुझे डोली नजर आ रही है कंधा देना है वैसे इसको मैं डिजाइन कर सकता हूँ कि तो भाई आपको तकरीबन कुछ 200 साल सर्फ में डाला जाए पता है एक बार है जो हीरो है हाँ। एक बड़ा खतरनाक सीन किया इन्हें अपने से पेट्रोल पा के अपने आप अग ला ली एक्टर ने काट ही नहीं किया आलिया जी इरम के बारे में कुछ बताएं इरम की लाइफ का जब मैं कार्ड्स देखती हूँ तो लाइफ बहुत टफ है शुरू से ही जब से आपने होश संभाला तो बहुत सारे स्ट्रगल बहुत सारे क्योंकि आप इमोशनल हैं आप लोगों की बातों पे यकीन कर लेती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे अल्लाह ने सब कुछ देखे रखा आपको कोई कमी लाइफ में नज़र नहीं आती है सिवाय इसके के कंपेनियन की कमी है मैं चाह रहा हूँ कि इनकी कंपेनियनशिप जो है ना मैं दूर कर अच्छा नैयर साहब ने ना ठीक 15 मिनट बाद इसे लंबे पाए क्योंकि ऐसा ऐसा उन्होंने टेक ला ली ये सिलेक्टिव बहुत ज़्यादा हैं इनकी ज़िंदगी का जो बेसिक है ये तीन दफ़ा ये कार्ड मेरे सामने आया है इन्हें हारमनी चाहिए एक ऐसा आदमी जिसके साथ दिल दिमाग रूह का रिश्ता बने जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं हाय तू तो इरम खान ये इमरान खान बनेगा नवा पाकिस्तान ए तू अपने वालों प्रपोज किया या खान साहब ठाकुर ओ उच्ची ना बोली पिछले यार भी तेरे बटन टूट गए थे यार एमी ड्रिप लगानी पै जाएगी तेन इनू ड्रिप लगने की सी ड्रिप ने डॉक्टर नु कहा डॉक्टर साहब की खचा मार ले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू आपके सितारे हदीका क्यानी के साथ हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड नैयर एजाज साहब और इरम खान जी एजाज साहब आपकी जो टोन्स चेंज होती हैं जो आपकी शक्ल आप एकदम ट्रांसफॉर्म कर लेते कैसे सबसे पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं एक स्टाइलाइज होते हैं और एक वर्सटाइल होते हैं स्टाइलाइज वो हैं जो अपने आप को हर जगह वो बेचते हैं और वो लोगों को आसानी से समझ आ जाते हैं सही जो वैरायटी वाले लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं वो कम लोगों उसको जल्दी पिक करते हैं जब कर लेते हैं तो फिर वो लोग उनके साथ चलना शुरू हो जाते हैं तो मैंने ये वाला पिक किया था
अभी इंशाल्लाह एक काम ऐसा आएगा जहाँ आप मुझे नहीं पहचान सकेंगे मैंने अपने फेस के साथ क्या किया है। किस मूवी के लिए? वो जो बार में क्योंकि अभी आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर ज्यादा इस टाइम तवज्जो दे रहे हैं। नहीं, हमेशा से मैं जब टीवी करता था तो मैं अपने आप को जब देखता था तो मैं कहता था यार ये स्क्रीन छोटी है मैं इसके लिए मिसफिट हूं। इसलिए आप ज्यादा बड़ी स्क्रीन के ऊपर ज्यादा दिखे। बड़ी स्क्रीन का ज्यादा मजा आता है। और फिर दूसरा ये कि आप अगर सीरियल करते हैं तो वो समझ लें 100 एपिसोड हैं तो वो 7-8 महीने तक एक ही रोल आप करते हैं, लेकिन फिल्म में आपने डिफरेंट डिफरेंट करना होता है तो वो फिर आप अलग अलग बनना शुरू हो जाते हैं। मजे की बात ये है कि इनके ऊपर किसी एक कैरेक्टर की छाप नहीं लगी। सही बात है, ये अल्लाह का इतना इन्होंने वर्सेटाइल अभी अभी आप ये जो 28 को हमारी एक फिल्म आ रही है बाजी, उसमें मैंने आगे से टेंट भी कराई थी, विग भी लगाई है। वो इस फिल्म की जो कैरेक्टराइजेशन है वो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी भाई की पसंद आएगी। माँ अम्मी की तार से बैठी है या अम्मी इलेक्ट्रिशियन वाले ना फंसी है। माँ माँ देखे के माँ के चाह पे आओ कुछ बोले जाए। माँ मैं किरण से शादी करूंगा। नो वे अम्मी बातों के ने तू क्यों नहीं हो रहा यदि अम्मी नु तन नहीं इन्ने वजे नहीं पैना है कि तू कीता है। यार मेरा हीरो डैमेज ना करो ताड़ी मेहरबानी। तेरा हीरो जिन्ना डैमेज है ना ये मजीद नहीं हो सकता। आपका नाम ठाकुर प्रताप सिंह विजय कुमार वर्मा है क्या? वाह वाह। अबे इधर एक कार्ड डालेगा क्या? ओए हो 50 तोला क्या? 50 तोला ए हड़के कहने 50 तोला वो भी नकली। यार तू जिन्ना टैलेंटेड है ना तू स्टूडियो दे बाहर मिठिया दी रेडी ला। अच्छा ने सारी जिंदगी बाजारा चो टैक्स लिया उर्दू उर्दू अच्छा ने सारी जिंदगी चपेड़ा ही खादी ने। ये ओजा बंदा अपनी विग कमा के कह रहा होना चला जाओ मेरा दिमाग फिर गया। नहीं नहीं हर आर्टिस्ट किसी ना किसी से इंस्पायर होता है। आपकी इंस्पायरेशन हर वो आर्टिस्ट जो बहुत अच्छा काम करता है दी मार्लन ब्रांडो साहब क्या करें रॉबर्ट डिनीरो साहब एक आर्टिस्ट है उनका नाम है चार्लिस थेरन जी। इतनी खूबसूरत टॉल इतनी हसीन वो खातून है। कैरेक्टराइजेशन जब एक फिल्म में उनकी ये बाजू टूटा हुआ है और जो वो परफॉर्म करती हैं इस तरह के आर्टिस्ट जैसे जॉनी डेप साहब हैं क्या बात है। अच्छा और फिल्म स्टार्स में से जिनके नाम मैंने लिए वो फिल्म स्टार्स हैं। मैं फीमेल की बात कर रहा हूं। फीमेल उधर ना ना जाओ उधर की है एकदम जेब च वट्टा पा के उधर एक रिक्वेस्ट करिए मौजूम साहब जी भाई ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਇਰਮ ਨੂੰ ਇਧਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਕੋ ਆਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਆਰਟਿਸਟੋ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਰਲਿਸ ਥੈਰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਓਏ ਇੱਕ ਵੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਇਰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਰਮ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਦਵੇ ਬਸਤਿਆ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈ। ਇਰਮ ਫਸ ਗਏ ਗੁੰਡੋ ਮੇ उनको फुल टाइम दिया था लाइक फॉर 10 इयर्स मैं कुछ और काम नहीं किया। मैंने अपने बच्चों को जो है ना डेडिकेटेड मॉम डेडिकेटेड तो वो जब बड़े हुए हैं थोड़े से अपने एट देयर ओन हुए हैं तो फिर मैं जो है ना काम फिर अपनी फील्ड में और फुल फोकस के साथ फुल फोकस ये और ज्यादा इंप्रेस नहीं कर रही। मैं तो उनसे दुआ कर रहा हूं कि कुछ सितारे इधर उधर करके इधर उधर कर दे। तुसी ते नहीं भाई ऐसे दुआ करानी आए हो आज क्या बनेगा नन्नी? दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा। वैसे गाना तेरे मुंह अच्छा नहीं लग रहा तू गाना चेंज कर। केड़ा? बाबुल की लेती जा। बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी। क्या तुझको सुखी संसार। ओह माय गॉड करो उन्हें कितने चंगे लग रहे। अच्छा नैयर साहब आपको अपना कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत बहुत आपको पर्सनली पसंद है? स्टिल वेटिंग स्टिल वेटिंग। अच्छा एक में आपने हिजड़े का रोल किया था और आपने रुला दिया था लोगों को सीरियसली मेरे समेत मतलब जंजालपुरा ये कोई अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए
मैंने कोई 5 से 7 कैरेक्टर्स एजड़ों के किए हैं और वो सारे डिफरेंट। अभी मैंने एक मैन उन्निसा वी लव यू में जो एक कैरेक्टर किया था कि उसकी प्रेजेंस फीमेल है लेकिन बात वो मर्दों की तरह करता है और वो बिल्कुल वो प्रॉब्लम है, जाओ जाके अपने मोहल्ले में कह दो कि अगर ये सारे काम नहीं करेगा तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूँगा। कहते जी मैं क्या करूँ, वो लोग ये करते हैं, जा जाके मर्चा ना, उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। वो एक लेडीज अपीयरेंस उसकी लेडीज है लेकिन अंदर मर्द है, लेकिन एक औरत उसके अंदर, यानी ड्यूअल सी उसके अंदर एक है। हाफ फेस पे मेकअप है और हाफ फेस मर्दों की तरह। वो था नूरी और नारी का एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था। उसको कॉन्सेप्ट ये था कि वो एक जादूगर है लेकिन वो पॉजिटिव है। तो उसके साथ वो ये था कि उस सीन को करते हुए वो के एक टाइम पे इसके ऊपर वो सारी कैफियत है और वो बच्चे भी आ गए हैं, जिन और कुछ आ गए, तो वो उनके साथ वो बैठा बातें कर रहा है और किस तरह से कर रहा है कि वो बात करता है कि तुम्हारा शौहर जो है तुम्हारी तरफ नहीं देखता, तो इसके लिए ये नहीं होता कि तुम घर छोड़ के चल जा। खराब क्या हुआ है, ये नई नई लड़कियों पे जाके आशिक हो जाता है, इसको बना करो। कर दूंगा बना, आप अपने बच्चे के साथ इस तरह से, नहीं नहीं मैंने शादी, इस तरह का एक बनाया। आपकी फिटनेस का क्या राज है? जिम फ्रीक। जिम मैं जिम बहुत डेडिकेशन से जाती हूँ, मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरा ख्याल है तू हीरो बनना है तो तू जिम शिम कर ताकि तेरा रंग थोड़ा साफ होवे। अबा जी का रंग बहुत फेर है ठाकुर। अबा जी लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू आपके सितारे, हदीका कियानी के साथ। हमारे साथ हैं हमारे मोहतरम नैयर एजाज साहब और हमारी प्रिटी इरम खान, फैशन डिजाइनर। कुर्ता आ रहा है जी, कुर्ता आ रहा है। इनके लिए किस कलर का कुर्ता? आई थिंक व्हाइट में भिजवा देती हूँ, आई लाइक व्हाइट कलर्स, तो फिर व्हाइट। अच्छा डरो ना, मैं बैठा, डरो ना। तेरे कोलो ही तो डर रहे। मेरे साइज का कुर्ता होगा आपके पास? तेरे साइज की तोप। हाँ जी, ऑडियंस में से देखते हैं ऑडियंस। हाँ जी, गाएंगे आप? लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। नेक्स्ट। और कौन है? हाथ खड़ा करो यहाँ से। मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। और जी कोई? लेकिन आप इतनी घबराहट में क्यों गा रही हैं? गाना सीख लिया, कुछ खा पी भी। आगे आए जी, और कौन? जी पाना। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। बहुत अच्छे।
तो बड़े सिंगर्स आए हुए हमारे बहुत सिंगर आए हैं। आए थे सानू कटवा के जाएंगे तो। इरम आपको कौन सा सिंगर पसंद है? म्यूजिक पसंद है? हाँ म्यूजिक पसंद है। किस टाइप का? डिपेंड करता है मूड पे, बहुत पुराने गाने भी अच्छे लगते हैं। बेसिकली पुरानी सोल है। मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। मुझे मेरे सनम दे दो। ये जगह जरा सुनिए। अगर मुझसे मुहब्बत है अच्छा इरम मुझे बताएं कि फैशन शोज कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? फैशन शोज इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको एक्सपोजर, आपके एक ब्रांड को एक्सपोजर देते हैं और स्पेशली जितने नए डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसमें कितने चैलेंजिंग फैक्टर्स होते? देखिए अब तो विद टाइम मुझे लगता है कि फैशन शो जब स्टार्ट में जब पहला दूसरा शो था उस वक्त एक आपकी एक एंजाइटी लेवल और डिफरेंट होता है, स्ट्रेस होता है। आपने 10 मिनट के अंदर आपने 6-8 महीने साल की पूरी मेहनत दिखानी होती है। यू हैव ओनली 10 मिनट्स जिसमें आपने मॉडल्स को कपड़े पहनाने हैं, जिसमें आपने उनको जूते पहनाने हैं, ज्वेलरी करनी है, उनके मेकअप्स ठीक करने हैं, उनके बालों की चेंजिंग करनी है, उनके दुपट्टे ड्रेप्स करने हैं। आपके पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं। वैसे मैं रैंप के ऊपर नहीं चल सकता हूं। आप बहुत अच्छे लगेंगे। मैं तो सोच रही हूं आपको शो स्टॉप पर रखना। लेकिन चलेगा कैसे? इसके लिए कोई रेडवा शो नहीं है। आलिया जी आप देखें जरा, मैं कभी रैंप पर चल सकता हूँ? जरा साफ निकालें। वो बड़ी सीरियसनेस के साथ निकालने लगी कार्ड। मैं तो नोनी और टोनी के कार्ड्स रोज निकालती। मैं भी कहूँ मेरी जेब जो कार्ड कौन काट लेंगे। मैं जा सकता हूँ मॉडलिंग में? हाँ बिल्कुल जा सकते हो। इरम खान के ही शो में? मुझे यही लग रहा है। सितारे तो नहीं मिल गए हमारे? हो रहे हैं भाई। नहीं 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 नहीं। क्या इसमें क्या निकला? कार्ड में निकला है कि नोनी की शादी होने वाली है। मेरा कार्ड? मेरा तलाक वाला कार्ड। ऑडियंस में से एक्टिंग वैक्टिंग कुछ हो जाए तो? कोई एक्टिंग करने वाले आप? एक्टिंग एक्टिंग। तालियां। आपने आके कहना सर मुझे एक्टिंग का शौक है, मुझे कोई डायलॉग दे। ठीक है सेट ऑन कैमरा एक्शन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा क्रेज है, आप मुझे प्लीज एक्टिंग में ले लें। एक्टिंग में ले लूँगा लेकिन पहले आप ज़रा मुझे ये कुछ करके दिखाएं। अच्छा एक लफ्ज़ है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। जी लफ्ज़। इस तो अलावा कोई एक्टिंग नहीं यार भाई, ते पखे पहले। ये भी हो सकता है कि अंकल अस्सलामुअलैकुम, चाचू क्या हाल है? आप बोलिए। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यही तो हो गया। इसकी मैं वेरिएशन कर लो। इसकी वेरिएशन कर लो। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा मैं आपके बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। नहीं नहीं मैं आपका साथ लेके जाना चाहती हूँ। एक मिनट बात सुन लो, तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हो, जज्बात को काबू में रखो। साथ लेके जाना चाहती हो? नैयर साहब लेके 5 किलो आम ले। ठीक है इसको वेरिएट कर लो ना मुख्तलिफ अंदाज में, ज्यादा मोहब्बत करो ना। मैं आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझे अच्छे लगते हैं। आप मुझे अच्छे लगते हैं। नोनी ने मनवा के रह रहे कोई मुंडा भी आवे आओ भी आके नैयर साहब ने कहे आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनको इनके साथ ले गए ना। हाँ, यही करते हैं। हाँ, बात जो बनती है ऑडियंस का हीरो और हमारा हीरो। हमारा हीरो आप हैं। आज जज पता चल लेते हैं। आ जाएं आप, आ जाएं। तालियां। चिटखारा भाई आप भी आ जाएं। वाह वाह चिटखारा साहब को भी चांस मिल गया, क्या बात है। ओए अल्लाह। अच्छा सिचुएशन ये है, सिचुएशन कुछ बन रही है। वो भी पक्का है वैसे, ये देखें। अब तो वो देख ही नहीं सकता। हीरो होश नहीं पड़ी जरा। अच्छा आप दोनों ने ना एक एक डायलॉग बोलने,
हीरोइन वो बैठी हुई है. नहीं नहीं मतलब ये गलत बात है. आपस में हम लड़की चेंज कर. नोनी हनी तैयार हो पुत्र. जब भी जरूरत पड़ी है नोनी लड़की बने. आलिया जी हाँ जी पार्टिसिपेट करें. आपकी ठीक है. जब भी दुपट्टा दिया आपने ही दिया. ओए आज फेर मैं आजी नोनी हाँ तेरी बकाए जी थी. और यार आज ना तो बट्टा दवार नैयर साहब आए ने. इन्होंने मेनू अपनी टिक्की च रख के लै जाना ही. देखो ना नोनी दो प्रपोजल आए हैं तुम्हारे लिए और जो अब्बा जी हैं ना वो सिलेक्ट करेंगे इन दोनों में से. मैं बाप बनूं? हाँ. अपना तारीफ करवाओ. कौन है ये अनिक वाला? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अजबर है. अजबर जी क्या करते हो बेटा? मैं स्टूडेंट हूँ. आप दोनों रिश्ता लेने आए हैं? या चले रिश्ता एक एक करके आए फिर ये अब्बा जी से बात करें ना. अपना प्रवीण. क्या बात है अब्बू जान? सुना है तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं? वो तो 100 देखने आया. उन तक जाना लेके कोई नहीं जाता. कौन? अस्सलामुअलैकुम अब्बा जान. हाँ दी अब्बा जान. रिस्पेक्ट दे रहा है ना अब्बा जान. आपको पता तो लग ही गया होगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया. पता लग गया बेटा आप बहुत छिछोरे. अच्छा तुम लड़की को खुश रखोगे? अपनी जान से भी ज्यादा. मुझे ऐसा ही हैंडसम चाहिए. खामोश हो जा. अभी दूसरा रिश्ता है उसको माइक दो. अब्बू मेरी उससे बात ना करवाना. पुत्र मैं तेरे को इंतकाम लेना. अपना तुम्हारा क्या नाम है बेटा? सॉरी मेरी जुबान सड़ गई. तुम्हारा क्या नाम है मच्छरदानी? जलील कपूर. कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम चटखारा खान है भाई. चटखारे? आपकी बेटी से मैं शादी करा. काजल बताओ कॉलेज की बात. मैं काजल है नहीं, मैं तो रशीदा आ गई है. चटखारे क्या कर सकते हो तुम मेरी बेटी के लिए? आप जो कहो कर ले. आप कहेंगे तो मैं चांद से सितारे तोड़ लाऊंगा. ना चांद ते ना जाइए, इतनी दूर ना जाइए, ने थे को चांद चिरा देने. चटखारे मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हो? चटखारे आप जो कहें मैं वो कर सकता हूँ. 3 घंटे ना सकने. अंकल अगर आपने मुझे शादी से इनकार कर दिया तो मैं आपकी बेटी को यहाँ से उठा के ले जाऊंगा. ओ माय. कौन? मैं. चल जल्दी कर. प्रवीण ठहर जा. ना बाबला. प्रवीण मैं तेरा ब्याह उतना नहीं कराना. और कितना कराना है? ए जिहड़ा अगे भाई बैठा वेस्कोट वाला काले चिट्टी टाई लाई है. हीरो दे अबू उत्ते बैठे. बस छड्डो हीरो नु ओदे अबू नाल करा दियो. ए मैनूं लगदा नाल मेरी भरजाई बैठी है. इंजी है? अच्छा बस फिर पैणा मैनूं अपनी सौंकण ही समझ. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू आपके सितारे. हमारे साथ हैं नैयर एजाज साहब और इरम खान. इतनी खूबसूरत आवाज़ जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो फिर हमें कुछ सुनना भी चाहिए ना. अब देखिए पहली बात तो ये कि आप खुद माशाल्लाह इतनी नामवर आर्टिस्ट हैं. आपके सामने गाना और यहाँ कुछ प्योर म्यूजिक के लोग भी बैठे हुए हैं तो उनकी इजाज़त से यार माइंड ना करना कि मैं बुरा गाना बर्दाश्त कर लेना. ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैडम सबिया जी ने गाया है. मोहतरम रिस्पेक्टेड गुलाम अली साहब ने भी गाया. एक क्यूट से लिख के लेके आए हैं पेपर के अंदर और पॉकेट. मुझे शायरी याद नहीं रहती ना. तुसी जड़ा लिख के ले आए ना मैंने तुसी नून लीग दे सिंगर लगे हो. सोने आवे मुख तेरा सजरी सवेर खिड़ पे अचानना ते मुके अखनेरे सोने आवे. खाबा विच वेखे आसी निरा तेरे अंग दा अजला तो रूप जड़ा मेरा दिल मंगदा रे में चकदा मंगया दुआ बालक विलाया फेरे सोने आवे. वैसे
एक बात बताऊं, मौजम साहब भी गा लेते हैं और किसका गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं बताइए, किसको गाते हैं? अदनान समी खान की पूरी पूरी आवाज निकालते हैं सिंह वाली। अदनान समी खान का वजूद तो इनके पास है। वैसे मौसम साहब हो जाए ना, कुछ नहीं होता। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आना, ऐसी बरसातों में आओ ना, ओ ऐसी बरसातों में आओ ना। क्या बात है आप। अब जहाँ पे मैं जाने लगा हूँ, यानी कि आपके पास, आज हमारे लिए क्या सॉन्ग है हदीका जी? आज सुना दूँ? आज कुछ तो सुनाए। Maya ve maya, maya ve maya.
आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।